उज्जैन राजस्व विभाग ने धतरावदा, मालनपासा और नीमनवासा में शासकीय दर्जा 47.38 हेक्टेयर पर प्रशासन ने कब्जा ले लिया है और 200 करोड़ रुपए बाजार मूल्य वाली इस जमीन पर कब्जा धारियों के द्वारा खेती की जा रही थी। कलेक्टर आशीष सिंह के निर्देश पर उज्जैन अनुभाग की राजस्व टीम द्वारा बड़ी कार्यवाही करते हुए नगर भूमि सीमा दर्ज 47.38 हेक्टेयर शासकीय भूमि गार्डन लाइन के अनुसार, जिसका अनुमानित 200 करोड़ रुपए होता है, आधिपत्य में ली गई है और कुल 46 सर्वे नंबर की उक्त भूमियां ग्राम धतरावदा, नीमनवासा व लालपुर स्थित है। इन भूमियों पर आधिपत्य व्यक्तियों के द्वारा खेती की जा रही थी। कलेक्टर आशीष सिंह ने दोपहर पूर्व नगर भूमि सीमा में दर्ज उक्त शासकीय भूमि का मौके पर जाकर निरीक्षण किया एवं आधिपत्य में लेने के निर्देश दिए। तहसीलदार श्रीकांत शर्मा व अन्य राजस्व का अमला साथ था। इस दौरान कलेक्टर आशीष सिंह के द्वारा बताया गया कि आधिपत्य में ली गई उक्त भूमि औद्योगिक प्रयोजन व आवासीय होटल व 32वें बटालियन के लिए आवासीय प्रयोजन हेतु तथा यूडीए को आवासीय प्रयोजन हेतु आवंटित करने का प्रस्ताव किया गया है। इसी के तहत अभी हम लोगों ने पिछले 2-3 दिनों से जो अर्बन लैंड सीलिंग, जो शहरी निवेश वाली जो जमीन थी, उस पर फोकस किया है। लगभग 279 हेक्टेयर की जमीनें हमने चिन्हांकित करी जिनके फैसले हमारे पक्ष में हैं, लेकिन फिर भी किसी न किसी कारण से वो दूसरे लोगों के कब्जे में है। कल भी ऐसी जमीनों पर कार्रवाई करते हुए लगभग 77 करोड़ रुपए की जो 12 हेक्टेयर की जमीन थी वो हम लोगों ने मुक्त कराई थी। आज हम लोगों ने 47 हेक्टेयर जमीन जो लगभग 200 करोड़ से अधिक मूल्य की है उसको मुक्त कराया है। कई सारों पे हम लोग हॉस्टल्स बना रहे हैं, कई सारे हम लोग उद्योगों के लिए आरक्षित कर रहे हैं, कुछ यूडीए को देने की हम लोगों की प्लानिंग है और कुछ जमीनें जो बहुत ही अच्छी हैं, कॉमर्शियल उपयोग की हैं, उनको हम लोग जो सरकार का एक नया डिपार्टमेंट बना है पीएम का, उसके माध्यम से बेचने का भी काम करेंगे। बहुत जल्दी ही बाकी जो अर्बन सीलिंग की बची हुई लैंड है उसका भी कब्जा प्राप्त किया जाएगा।